बिस्मिल्लामान रहीम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवंथ डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज वन के बारे में आपको पढ़ाया था आज हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं और इसकी एक्सरसाइज है टू वे दैट इज़ अबाउट रैशनल नंबर्स ये सारी एक्सरसाइज जो है वो रैशनल नंबर्स के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या रैशनल नंबर्स डियर स्टूडेंट्स रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से जो है वो जाहिर करते हैं जिस तरह ईवन नंबर को ई e से और नंबर को ओ से नेचुरल नंबर को एन से होल नंबर को डब्ल्यू से इसी तरह रैशनल नंबर को हम क्यू से जो है वो क्या करेंगे डिनोट करेंगे और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फ्रैक्शन ऑफ विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी फ्रैक्शन क्यू जो पी फ्रैक्शन क्यू की फॉर्म में होते हैं और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स का मतलब है ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो और Q जो है वो जीरो के इक्वल ना हो अगर Q की वैल्यू जो है वो जीरो होगी इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर नहीं है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो इसका मतलब है वो रैशनल नंबर नहीं है नोमिनेटर चाहे जीरो हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स वो रैशनल नंबर नहीं है लाइक like, मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखूंगा हमने उनको बताना है कि ये रैशनल नंबर हैं या नहीं लाइक क्वेश्चन नंबर वन में यही चीज हमसे पूछी गई है एक्सरसाइज टू ए के अंदर क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट है जी three. अब इसमें नॉमिनेटर जो है वो थ्री है डिनोमिनेटर आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही जिसका डिनोमिनेटर आपको नहीं नजर आ रहा तो ऑटोमेटिकली उसका डिनोमिनेटर क्या है वन है मीन इसका नॉमिनेटर थ्री है और डिनोमिनेटर क्या है वन तो ये रेशनल नंबर है सेकंड में देखें थ्री फ्रैक्शन वन इसमें उन्होंने हमें डिनोमिनेटर गिवन कर दिया देखें वन यहां पे मौजूद है तो ये भी रेशनल नंबर है थर्ड पे देखें थर्ड है जी थ्री फ्रैक्शन जीरो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर जो है वो क्या है हमारे पास जीरो आ गया और जब डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं है उसके सामने मैंने क्या लगा दिया क्रॉस के रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स नंबर्स आर आर द द इन फॉर्म ऑफ पी फ्रैक्शन क्यू एंड पी एंड क्यू आर इन टीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर फोर्थ पे एडियर स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री फ्रैक्शन माइनस वन तो आप देख लें कि इसमें भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में मैंने भी आपको बताया कि इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे और इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी फाइव में आप देखें जीरो फ्रैक्शन माइनस थ्री तो ये भी रेशनल नंबर है इसकी रीजन ये है कि नोमिनेटर जीरो है डिनोमिनेटर जीरो नहीं है हमारी कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए नंबर सिक्स में आप देखें जी माइनस थ्री फ्रैक्शन माइनस वन ये भी रैशनल नंबर है और नंबर सेवन पे है जी जीरो फ्रैक्शन जीरो तो ये रैशनल नंबर नहीं है इसके सामने मैंने क्या लगा दिया क्रॉस लगा दिया क्वेश्चन नंबर टू में हमने क्या करना है रेशनल नंबर्स को इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है लाइक like देखें क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास एक्सरसाइज टू ए का स्टूडेंट्स आप देखें जी इसको हम एक इंटीजर के तौर पर राइट करते हैं सेवन को हम वन पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा सेवन और साइन प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस किसका साइन आ जाएगा प्लस का यहाँ पे देखें प्लस है यहाँ पे माइनस है प्लस माइनस साइन किसका आ जाएगा माइनस का और जब आप फाइव को वन पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस नाइन को वन पे डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा नाइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21 को वन पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें मैंने रैशनल नंबर्स को किस फॉर्म में लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर थ्री में आके राइट डाउन द रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर राइट करें क्वेश्चन नंबर थ्री रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से जाहिर करते हैं हुज नॉमेटर नॉमिनेटर है जी माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई टू एंड हुज डिनोमिनेटर इज ट्वेंटी वन माइनस टू इसका डिनोमिनेटर है जी ट्वेंटी वन माइनस टू तो मल्टीप्लाई करें जी प्लस माइनस माइनस सेवन टूज आर फोर्टीन और ट्वेंटी वन में से टू माइनस करेंगे कितना आ जाएगा नाइनटीन तो ये हमारे पास आ गया जी रैशनल नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में है जी राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज नॉमिनेटर इज ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री से कि राइट डाउन करें रैशनल नंबर को जिसका नॉमिनेटर फिफ्टीन माइनस फोर है एंड हुज डिनोमिनेटर इज थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू क्वेश्चन फोर रैशनल नंबर को राइट करना है जी हु नॉमिनेटर इज फिफ्टीन माइनस फोर एंड हुज डिनोमिनेटर इज थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई माइनस टू फिफ्टीन में से फोर को माइनस कर देंगे एलेवन आ जाएगा ये प्लस है ये माइनस है प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस थर्टी सेवन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेवेंटी फोर तो ये हमारे पास आ गया जी रैशनल नंबर अब नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर का ये तो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने रैशनल नंबर को फाइंड किया है सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि ये देखें अब हमारे पास डिनोमिनेटर का जो आंसर है वो माइनस में आया माइनस सेवनटी फोर आया तो इस माइनस सेवनटी फोर को वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर के इस डिनोमिनेटर को क्या बनाया जाए पॉजिटिव बनाया जाए तो इसका बड़ा सिंपल मैथड है डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे इस नेगेटिव डिनोमिनेटर के नोमिनेटर को भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर माइनस सेवनटी फोर को भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें प्लस माइनस माइनस इलेवन वन ऑर इलेवन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सेवनटी फोर वन झार सेवनटी फोर तो डिनोमिनेटर जो पहले माइनस सेवनटी फोर था अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव प्लस सेवनटी फोर के अंदर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फाइव हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर है जी एक्सप्रेस थ्री फ्रैक्शन माइनस सेवन हमारे पास है जी थ्री फ्रैक्शन माइनस सेवन एज अ रैशनल नंबर हुज नॉमिनेटर इज जिसके नॉमिनेटर को आप क्या बना दें फर्स्ट पार्ट में सिक्स बना दें तो ये बड़ा सिंपल है जी ये देखें हमने थ्री इसका नॉमिनेटर है इसको सिक्स में कन्वर्ट करना है तो नॉमिनेटर को भी टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिनिनेटर को भी ये मैथ का मेथड होता है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप सेम नंबर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्स प्लस माइनस माइनस सेवन ज़ार फोर्टीन तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है जी थ्री को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया सिक्स के अंदर इसके सेकेंड पार्ट में देखें तो हमने किसमें कन्वर्ट करना है जी माइनस फिफ्टीन के अंदर हमारे पास है जी थ्री फ्रैक्शन माइनस सेवन तो माइनस फिफ्टीन के में कन्वर्ट करने के लिए थ्री को माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसी तरह माइनस सेवन को भी माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दें प्लस माइनस माइनस थ्री फाइव जर फिफ्टीन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सेवन फाइव ज़र थर्टी फाइव तो देखें नॉमिनेटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है माइनस फिफ्टीन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है जी डिनोमिनेटर्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास नंबर है जी माइनस टू फ्रैक्शन माइनस फाइव तो इसमें देखें जी तीसरे पार्ट में उन्होंने कहा जी कि डिनोमिनेटर जो है माइनस फाइव उसको आप पॉजिटिव फोर्टी बना दें माइनस टू फ्रैक्शन माइनस फाइव तो इसको माइनस फाइव को प्लस फोर्टी बनाने के लिए एट के साथ नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा दें और डिनोमिनेटर को भी माइनस एट के साथ और माइनस एट के साथ क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये देखें नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एट टू जाराइनस माइनस प्लस हो जाएगा एट फाइवी तो आप जो देख रहे हैं कि माइनस फाइव जो डिनोमिनेटर था आप किस में कन्वर्ट हो गया है? प्लस फोर्टी के अंदर इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेवन में उन्होंने कहा है कि हमें क्या करें कि पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स के अंदर क्या करें उसको कन्वर्ट करें लाइक like, हमारे पास नंबर है जी सेवन फ्रैक्शन माइनस वन प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस सेवन को इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें तो सेवन फ्रैक्शन माइनस वन तो इसको माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई भी करें और माइनस वन के साथ नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी तो आप देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वन वन जार वन अब नॉमिनेटर जो है वो क्या हो गया है नेगेटिव हो गया लेकिन डिनोमिनेटर किसमें कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव के अंदर इसी तरह आप अगर देखेंगे माइनस थर्टी वन इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन का माइनस थर्टी वन फ्रैक्शन माइनस थ्री तो इसको भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए माइनस वन के साथ नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा दें और डिनोमिनेटर को भी तो आप देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थर्टी वन वन ऑर थर्टी वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री वन जार थ्री तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और हमारी कंडीशन भी यही है कि हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है पॉजिटिव करना है इसी तरह ये हमारे पास एक है नाइन बाय माइनस फाइव इसका भी यही डियर स्टूडेंट्स माइनस वन के साथ नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें और डिनिनेटर को भी तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस नाइन वन जार नाइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फाइव वन जार फाइव तो आप डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है रिप्रेजेंट करना है तो इसको देखें नहीं रेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं लाइक like पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी एट अलेवन बाय माइनस फोर तो डियर स्टूडेंट्स इसका बड़ा सिंपल वे है जी पहले आप क्या करेंगे एक लाइन लगाएंगे स्केल के साथ इक्वल पॉइंट्स आपने लेने हैं सेंटर में क्या हो जाएगा जीरो वन टू एंड थ्री डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने ये ख्याल करना है कि जितना आप जीरो और वन के दरमियान फासला ले रहे हैं इतना ही आपने वन और टू के दरमियान इतना ही आपने टू और थ्री के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको क्या रखना है मेनटेन रखना है जीरो से इस तरफ पॉजिटिव जीरो से इस तरफ नेगेटिव जितना आपने जीरो और वन के दरमियान डिस्टेंस लिया इतना ही जीरो और माइनस वन के दरमियान इसी तरह इतना ही डिस्टेंस माइनस वन और माइनस टू के दरमियान और इतना ही डिस्टेंस माइनस टू और माइनस थ्री के दरमियान ये हमारे पास एक नंबर लाइंस आ गई है इसके ऊपर अलेवन फ्रैक्शन माइनस फोर को हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे अब जीरो से लेकर वन तक आप डिनोमिनेटर को देख रहे हैं डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है फोर तो हमने फोर पॉइंट्स बनाने और हमारा ये जो रैशनल नंबर है ये नेगेटिव है तो हमने ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ क्या करना है मूव करना है ये स्टूडेंट्स आप देखें इसमें जीरो है ये वन बाय फोर आ जाएगा ये टू बाय फोर ये थ्री बाय फोर ये फोर बाय फोर और इन सब के साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव अब आप चेक कर सकते हैं ये फोर को फोर पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है वन प्लस माइनस क्या आ जाता है माइनस तो जीरो से लेकर वन तक कितने पॉइंट्स हैं जी वन टू थ्री एंड फोर इसी तरह आगे फिर फोर पॉइंट्स होंगे माइनस फाइव बाय फोर माइनस सिक्स बाई फोर माइनस सेवन बाई फोर और ये आ जाएगा माइनस एट बाई फोर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस एट को फोर पे डिवाइड कर लेंगे क्या आ जाएगा टू आ जाएगा इसी तरह आगे माइनस नाइन बाई फोर माइनस टेन बाई फोर माइनस इलेवन बाई फोर और माइनस ट्वेल्व बाई फोर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस ट्वेल्व को फोर पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री हमारा रैशनल नंबर क्या है जी अलेवन फ्रैक्शन माइनस फोर और ये आप देख रहे हैं इसको आपने क्या कर देना है ब्लैक पॉइंटर के साथ हाईलाइट कर देना है तो इस रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया और आपने जीरो और माइनस वन के दरमियान जो ये पॉइंट्स लेने हैं इनका डिस्टेंस भी आपने क्या रखना है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इनको क्या करना है राइट right करना है इसके बाद इसका एक सेकेंड पार्ट कर लेते हैं जिसकी तरफ हम मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन का लाइक like है जी तीसरा पार्ट है टू फ्रैक्शन फाइव इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे सेंटर में जीरो होगा इधर वन होगा इधर टू इधर थ्री इधर माइनस वन इधर माइनस टू और इधर माइनस थ्री और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपने इनको क्या करना है राइट right करना अब जीरो से वन तक आपने यहां तक फाइव पॉइंट्स बनाने देखिए वन बाई फाइव टू बाई फाइव थ्री बाय फाइव फोर बाय फाइव और वन है फाइव बाई फाइव ताकि फाइव को फाइव पे डिवाइड करना तो हमारे पास क्या आ जाता है वन और ये हमने डिनोमिनेटर को देख के बनाने डिनोमिनेटर अगर फाइव है तो हमने कितने पॉइंट्स बनाने हैं फाइव वन तक ये देखें वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब हमारा नंबर क्या है टू बाई फाइव और आगे हमें मूव करने की जरूरत ही नहीं है यहां पे टू बाई फाइव आ रहा है तो इसको आप ब्लैक पॉइंटर के साथ क्या कर देंगे हाईलाइट कर देंगे और यही हमारा रैशनल नंबर है जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना था रिप्रेजेंट दीज। करना था तो डियर स्टूडेंट्स आज रैशनल नंबर्स को हमने डिटेल में पढ़ा रैशनल नंबर्स के हमने डिनोमिनेटर को भी चेंज किया नॉमिनेटर को भी चेंज किया डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव बनाया रैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने डिटेल में पढ़ी तो डियर स्टूडेंट्स इन डेफी इस डेफिनेशन को भी आपने लर्न करना है इस एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन जो है उसको अपनी नीट कॉपी के ऊपर अपने रफ रजिस्टर के ऊपर आपने अच्छी तरह उनको क्या करना है राइट right करना है और इसके हवाले से जो आपको असेसमेंट मिलेगी उसको भी आपने क्या करना है सॉल्व करना है ओके डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफि